हाँ तो गाइज आपने सही सुना दोस्तों, आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो या यूट्यूब पे कई सारा काम करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको कई सारी गलती है कि प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों हमारे साथ कई सारे ऐसी प्रॉब्लम आ चुके हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस तरीके से प्रॉब्लम ना आए इसलिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों यूट्यूब के बारे में कई सारे आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आती है इसके बारे में कोई नहीं बताने वाला, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई थी वो आपको कभी भी नहीं आनी चाहिए इसलिए मैं आज का ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के जमाने में हर कोई यूजर यूट्यूबर बनना चाहता है लेकिन यूट्यूबर बनना इतना आसान तो है नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैंने कौन कौन सी गलतियां की थी। दोस्तों गलतियां बताने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे 5 चैनल थे लेकिन 5 चैनल भी मेरे क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। आप भी एक यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए इस वीडियो को कम्प्लीट क्योंकि आपके भी चैनल बंद हो सकते हैं। क्या इश्यू आ सकता है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली गलती, दोस्तों आप भी एक यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर रहे हो तो अपने चैनल का नाम आप यूनिक रखिए। दोस्तों चैनल का नाम आप यूनिक रखेंगे तो आपका चैनल सर्च रिजल्ट में आ जाएगा और सबसे ज्यादा आपका चैनल वायरल भी हो जाएगा। अभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हमारा पुराना चैनल है और हमारा पुराना चैनल अभी वायरल हो जाएगा या नहीं और हमारा सर्च रिजल्ट में आएगा या नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका पुराना चैनल है या आपने न्यू चैनल क्रिएट किया भी है तो भी कोई बात नहीं है, आपका सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आपका चैनल का नाम आप यूनिक रखेंगे तो आपका सर्च में आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनके जैसा ही आप नाम रखेंगे तो आपका चैनल ऊपर आने में दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि आपका चैनल सर्च रिजल्ट में आ भी जाएगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे चैनल आपके नाम के रिलेटेड होंगे, इसलिए आपको अपने चैनल का नाम यूनिक रखना चाहिए। दूसरी गलती, दोस्तों आप रेगुलर कंटेंट नहीं डालते हैं इसकी वजह से आपका चैनल काफी ज्यादा ग्रोथ नहीं होता। दोस्तों आपको मैं बता दूं आप एक यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो आप रेगुलर कंटेंट डालिए, जो भी आपका टाइमिंग होता है उसके हिसाब से आपके चैनल के ऊपर वीडियो डालना चाहिए। दोस्तों आप एक मंथ वीडियो डालना बंद कर देते हो तो आपका चैनल काफी ज्यादा डाउन होता है, मतलब कि आपके वीडियो डाउन होते हैं। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने भी कुछ इस तरीके से वीडियो रेगुलर डालने चालू किए थे तो मेरा चैनल ग्रोथ होने लगा था, लेकिन मैंने एक महीने का गैप लिया और उसके बाद वीडियो डालना शुरू किया तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आया था। इसलिए मैं आपको बता दूं आपको कभी भी रेगुलर कंटेंट डालना नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों आप रेगुलर कंटेंट डालिए तो आपका चैनल वायरल हो जाएगा और व्यूज भी काफी ज्यादा आ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हम एक रेगुलर कंटेंट डाल रहे हैं तो भी हमारा वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ आप रेगुलर कंटेंट डालने से आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, उसके साथ आपको एक टाइटल पे भी ध्यान रखना है। जो भी आप सर्च रिजल्ट में टाइटल आता है उसी टाइटल को आपको चॉइस करना है और अपने वीडियो के हिसाब से टाइटल रखना है। टाइटल के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन टैग भी लगाने होंगे तो उसके साथ साथ आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो आप अच्छा सा टाइटल रखिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखिए और उसके साथ आप टैग्स लगाइए, इस तरीके से आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। दोस्तों टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन लगाने से आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। दोस्तों आप इस तरीके से टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन लगाएंगे तो आपके जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड डालेंगे तो सर्च में आएगा आपका वीडियो, मतलब कि कोई भी यूट्यूबर सर्च करेगा यूट्यूब के वीडियो को तो आपका टैग में या डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में कोई कीवर्ड होगा तो उसमें सर्च रिजल्ट में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका वीडियो सबसे ऊपर आएगा और व्यूज भी आएंगे काफी ज्यादा और वायरल भी हो जाएगा। आप एक और ही गलती कर देते हो और आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, रीयूज कंटेंट। दोस्तों हाँ मैंने भी एक गलती की थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। रीयूज कंटेंट से आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको रीयूज कंटेंट नहीं करना है। मतलब कि जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हो आपको 2 या 3 बार आपको वीडियो अपलोड नहीं करना है, उसी वीडियो को अपलोड नहीं करना है, रिपीट इसी वीडियो को अपलोड नहीं करना है, साथ में इसका जो टाइटल है वो भी आपको रिपीट नहीं रखना है। दोस्तों आप मतलब कि रीयूज कंटेंट रीयूज टाइटल आप डालेंगे तो आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। दोस्तों आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है इसलिए आप ये गलती मत कीजिए। तो दोस्तों आप इस तरीके से बहुत सारी गलतियां आप कर देते हो तो आपको इस तरीके से गलतियां नहीं करना है। मैं आपको इसी वीडियो में इतना ही बताने वाला हूं और कुछ डिटेल आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।